अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैंने सोचा कि मेरे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं तो मुझे कुछ ना कुछ तो बनाना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ तो दिखाना चाहिए ना। इतना प्यारा सा नाम रखा हुआ है मैंने, अमल फूड एंड व्लॉग, तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो ये लें, मैं जो हूँ अपने रूटीन के काम कर रही हूँ। तो ये मैं डिनर बना रही थी और डिनर में हम बना रहे थे बना रही थी मुर्गी का सालन, जो आम हम सबके घरों में बनता है, शोरबे वाला जिसमें आलू भी होते हैं, तो वो मैं बना रही थी आम सा सालन। जाहिर सी बात है, अब रोज़ रोज़ तो हमारे घरों में ये कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ कबाब कबाब तो नहीं बनने वाले, तो इसलिए मैं जाहिर सी बात है नॉर्मल सी एक सब्ज़ी बना रही हूँ, सालन बना रही हूँ नॉर्मल सा। तो ये देखें, लहसुन को पीसना जा रही है, पीसो पीसो भाई। और ये अदरक का टुकड़ा भी डाल रही हूँ मैं इसमें। हाँ बस इतना, या इससे कम भी ले सकते हो आप, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लेती हूँ, अच्छा लगता है जी। तो मैं आपको एक वजीफ़ा बताने वाली थी, लेकिन उस वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपको एक उसका सच्चा वाक्य बताऊंगी जो मेरे साथ खुद के साथ हुआ है ना। जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे मेरे साथ एक दूसरी लेडी भी जॉब करती थी, अभी तो उसका ट्रांसफ़र हो गया है कहीं और, लेकिन जब वो वहाँ पर थी मेरे साथ तो ना वो बड़ी खामोश चुपचाप सी रहती थी, लेकिन उसकी जब से मैं आई थी तो मेरे साथ उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई, तो हम अक्सर आपस में बातें करते रहते थे और वो उसकी दोस्ती हो गई थी मेरे साथ। तो वो अक्सर मुझे बताया करती थी कि ना मेरे घर के हालात सही नहीं है और उसके शोहर की जॉब जो है वो 4 साल हुए वो ख़त्म हो गई थी। एक दफ़ा हमारे साथ एक दूसरी टीचर जो वहाँ पे ही जॉब करती थी हमारे साथ, तो वो बैठी हुई थी, तो उसने बताया कि ना इस तरह है एक वजीफ़ा, वो जैसे शोहर की जॉब वगैरह के लिए इस तरह से करते हैं। तो उसने इसको बोला आप भी ये ना करके देखो, इंशाल्लाह ताला अल्लाह के करम से वो ना मसले हल हो जाते हैं इस तरह करके, उसने बताया। तो उसको बताया दूसरी वाली टीचर को, तो उसने बोला सही है मैं तो कर लूँगी, तो उसने वो करना शुरू किया। एक हफ़्ता, जैसे एक हफ़्ता हो गया तो उसने आकर बताया कि मेरे ना शोहर की जॉब लग गई। बात तो बहुत शॉकिंग थी, खुशखबरी भी थी, अच्छी बात है भाई उनके शोहर की जॉब लग गई बहुत अच्छी बात है, लेकिन शॉकिंग भी थी। मतलब इतना उसने बोला कि मैंने वजीफ़ा किया है, वो वाला जो दूसरी टीचर ने बताया था वो वाला वजीफ़ा किया है। तो हम लोग ना ऐसे हैरान हो गए कि वजीफ़े के इतने अच्छे जो हैं वो नतायज हैं कि मतलब एक हफ़्ते में उसके शोहर को जॉब मिल गई। तो ये वो वजीफ़ा है, ये वजीफ़ा आपको 360 मरतबा पढ़ना है दिन के किसी भी टाइम बावजू होकर, और इसके साथ नमाज की पाबंदी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 80 दिन तक आपने करना है, जाहिर सी बात है 80 दिन से पहले आपका काम इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, लेकिन 80 दिन तक फिर भी करना है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह के हुक्म से आप सबके काम भी इस वजीफ़े के ज़रिए बहुत जल्दी जल्दी और बहुत अच्छे नतायज के साथ हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और हमारा सालन पता नहीं कहाँ पे पहुँचा, ये मैंने डाल दिया है ऑयल और ये कुछ गरम मसाले जैसे 2-3 काली मिर्च, तेज़पत्ता और जीरा, दालचीनी और छोटी इलायची, ये मैंने ऑयल में डाल दी। तो हमारी ये दूसरी जो देगची पड़ी हुई है इसमें हमारी शक्करकंदी बन रही है, जो मैंने अभी इसमें गर्म पानी में डाल दी थी धो के। तो ये शक्करकंदी है और शक्करकंदी सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है, बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, तो बच्चों को खिलाया करें।
ये मैंने ऑयल में डाल दिया लहसुन, 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन डाल दिया, जो मैंने पीस पीस के रखा हुआ था वो वाला लहसुन डाल दिया। और इसको मैं घुमा दूँगी, इसको मैं ब्राउन होने तक पकाऊँगी। फिर मैं इसमें प्याज जो मैंने ग्राइंड करके वो रखी हुई थी वो डाल दूँगी मैं। अब प्याज को भी तब तक पकाऊँगी जब तक वो ब्राउन हो जाएगी। फिर इसमें टमाटर की पेस्ट डाल दूँगी जो मैंने ग्राइंड करके रखी हुई है। तो मैंने इसमें अभी टमाटर की पेस्ट भी डाल दी है जो मैंने ग्राइंड करके पहले रखी हुई थी, वो भी मैंने डाल दी। अभी मुर्गी भी डाल दी। अभी मैं इसको थोड़ा सा भूनूँ। अभी मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक डाल दूंगी। उसके बाद मैं दही डाल दूंगी और ये मसाले अच्छे से मिला के इन सबको हिला लूंगी। चलो भाई अब जल्दी जल्दी से आलू काट लो। और आलू काट के साफ़ करके अच्छे से धो के फिर हम सालन में डाल देंगे। अब इसमें 3-4 हरी मिर्च डाल देंगे। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक हरी मिर्च डाल दीजिएगा। मैं कम डालती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को ज़्यादा तीखा नहीं पसंद। और इसमें मैं हरा धनिया भी नहीं डालती क्योंकि मेरे बच्चों को हरा धनिया भी नहीं पसंद। वो बोलते हैं बस इसी तरह चाहिए मम्मा। किचन का एक बेसिक रूल है कि हमें खाना बनाते हुए हमें अपने सारे बर्तन भी साफ़ कर देने चाहिए। इस तरह काम भी नहीं बढ़ता और किचन भी हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। और ये हमारा सालन ऑलमोस्ट डन हो गया है। तो खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है, मज़ेदार मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। तो मैं इसको डिश आउट कर दूंगी। तो ये लें जी, हमारा मज़ेदार सा सालन तैयार है। तो हम करेंगे मज़े से डिनर। और जो मैंने शकरकंदी बनाई थी वो भी गल गई। मेरे बच्चों को शकरकंदी बहुत अच्छी लगती है तो मैं इनको अक्सर ये शकरकंदी बना के ना मैं खिलाया करती हूँ। थोड़ा सा लेमन और काट के ना और नमक वगैरह डाल के तो मज़ेदार सी लगती है बहुत ज़्यादा खाने में। बच्चे तो अभी इंजॉय करने वाले हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।